कार सवार शातिरों ने रात्रि में खड़ी मशीन से डीजल चुरा लिया। शहर से पिपली मार्ग पर साधु मंडी के समीप रात के समय वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी की वारदात कैमरे में कैद हो गई। बता दें, रात्रि के समय खबरनामा हरियाणा के रिपोर्टर शहर से पीपली की ओर जा रहे थे। जैसे ही साधु मंडी के नजदीक पहुंचे, मामले की भनक लगी। ओवरब्रिज के पास ही पीपली मार्ग पर एक मशीन खड़ी हुई थी। मशीन चालक खड़ी कर कमरे पर चला गया था। शातिर इस मशीन के नजदीक कार में सवार लोग आते हैं, तेल टैंकी में पाइप लगा देते हैं और मशीन के नीचे एक 20 लीटर की प्लास्टिक कैनी रख देते हैं। टैंकी में डाले गए पाइप को इस कैनी में लगा देते हैं। घूमकर दोबारा आते हैं, भरी तेल की कैनी को रख लेते हैं, दूसरी कैनी लगा देते हैं, फिर चलते बनते हैं। इस घटना को अंजाम देने का पता चल गया। नजदीक जाकर मामला सही पाया गया। इसी बीच बता दें, इस मशीन से कुछ दूरी पर सड़क निर्माण के लिए एक अन्य मशीन भी खड़ी हुई थी, जिस पर चालक सहित दो लोग सवार थे। इनकी तस्वीर को भी कैद किया गया, जो सब नजारा देख रहे थे। मशीन से तेल चोरी होता रहा, लेकिन कार सवार शातिरों को रोकने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। जिस पर मशीन से डीजल चोरी हो रहा था, इस मशीन के पास कोई भी नहीं था। इस सारी वारदात को नजदीकी लोगों ने देखा। नाम न उजागर करने पर तेल चोरी करने वाले शातिरों के वाहन के नंबर का भी पता बता दिया। ये सब घटना रात करीब 10:30 बजे से रात 12 बजे तक घटित हुई। इस बारे में मशीन के चालक भूपेंद्र पटेल, वासी मध्य प्रदेश, ने बताया कि उनकी इस मशीन से 2 दिन के अंतराल में तेल चोरी की घटना हुई है। तेल चोरी करने वालों का पता चल गया है। इस बारे मालिकों को बताया जाएगा। अब तक मशीन से 50 लीटर डीजल चोरी हो चुका है। सुनिए चालक भूपेंद्र से। भूपेंद्र पटेल नाम है मेरा, MP का, मध्य प्रदेश रहने वाला हूँ। 20 लीटर डीजल चोरी हुआ है। कब हुआ है? कल नाइट को हुआ है। इधर पे पार्क में बाजू में खड़ा किया था मशीन, एच डी लाइन जियो का काम करता हूँ। 20 लीटर डीजल चोरी हुआ है। डेली हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है इधर? क्यों यार, ये पता लगा है? नहीं, मालूम नहीं चल रहा है इधर का। खबरनामा हरियाणा के लिए राजेश भारद्वाज की रिपोर्ट।